10%, 15%, 20%, ये जो है पब्लिक में बांट देती है और पब्लिक से पैसा लेके अपना बिजनेस करती है। तो जो पब्लिक जो है, जो शेयर जिनके पास होते हैं, वो कंपनी के पार्शियल ओनर्स होते हैं। कंपनी को जो भी मुनाफा होता है उसका हिस्सा डिविडेंड की शक्ल में पब्लिक को मिलता है। कंपनी को जो भी मुनाफा होता है उसका प्रॉफिट का हिस्सा पब्लिक को मिलता है डिविडेंड की शक्ल में। अगर आप किसी कंपनी के शेयर ओन करते हैं, यानी आप उस कंपनी के जो बिजनेस है उसके पार्टनर है। शेयर स्टॉक एक ही चीज है। अभी शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, हम उसके बारे में जानते हैं थोड़ा। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, खरीदी और बिकवारी होती है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर प्राइमरी मार्केट के जरिए कंपनीज अपने आईपीओ के जरिए अपने शेयर्स पब्लिक में लेके आती हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप और हमारे जैसे कॉमन लोग स्टॉक ब्रोकर्स के जरिए लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और एक कीमत पर अपने शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। इंडिया में प्राइमरी तौर पर दो स्टॉक एक्सचेंजेस बहुत बड़े हैं। पहला है एनईसी, दूसरा है बीईसी। बीईसी जो है वो इंडिया का सब में ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। एनईसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों के दोनों बॉम्बे में है। ऐसा नहीं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में है, बल्कि एनईसी भी बॉम्बे में ही है। हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी जो मार्केट में आती है, शेयर मार्केट में, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। शेयर मार्केट में बेसिकली दो मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक सेकेंडरी मार्केट होता है। पहले हम प्राइमरी मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी अपने जो आईपीओ का प्रोसीजर कंप्लीट करती है, उसके बाद सेबी के पास जाती है। सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट बॉडी है। ऐसा समझ लो कि ये स्टॉक मार्केट की पुलिस है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, स्टॉक मार्केट में धांधलिया होने से रोकती है। तो जब कभी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो उसको पहले सेबी के पास जाना पड़ता है अपना अपना प्रपोजल लेके। सेबी के भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो फुलफिल होती है, फुलफिल होते हैं, तो सेबी उसको उस आईपीओ को, आईपीओ यानी उस आईपीओ को अप्रूव करती है। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जी, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उस आईपीओ को अप्रूव करती है। उसके बाद वो आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आते हैं। प्राइमरी मार्केट ये ऐसा मार्केट होता है जिसमें पब्लिक जो है डायरेक्टली कंपनी से शेयर खरीदती है आईपीओ के जरिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए। सेकेंडरी मार्केट जो होता है उसमें पब्लिक जो शेयर खरीदती है वो पब्लिक से ही खरीदती है, ना कि कंपनी से खरीदती है। जब कंपनी को फर्स्ट टाइम पैसे की जरूरत होती है तो वो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ के जरिए अपने शेयर्स लेकर आती है और पब्लिक को बेचती है। उसके बाद जब वो पब्लिक को शेयर अलॉट हो जाते हैं तो उसके बाद अगर वो शेयर मुझको मिले हैं और वो मुझको बेचना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली वो कंपनी के पास जाऊंगा और उसको बेचूंगा, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज में एनएसई और बीईसी के थ्रू बहुत सारे बायर्स अवेलेबल होते हैं, सेलर्स अवेलेबल होते हैं, वो उनके दरमियान बाइंग एंड सेलिंग शुरू हो जाती है। तो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ के जरिए पब्लिक को शेयर मिलते हैं कंपनी से डायरेक्टली। सेकेंडरी मार्केट में पब्लिक एक दूसरे के दरमियान उन शेयर्स को बेचती है, जो कि नॉर्मली हमको, अगर समझिए रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो मैं जब मार्केट में ऑर्डर प्लेस करूंगा तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी से शेयर आएंगे, बल्कि मैं किसी और के जरिए उन किसी और आदमी से वो शेयर खरीदूंगा। और इन सब को जो रेगुलेट करता है वो है सेबी। नॉर्मल प्रोसीजर समझ लेते हैं हम स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लेके जाती है, आईपीओ की रिक्वेस्ट सेबी के पास, फिर सेबी जो है उसको अप्रूव करता है, फिर वो आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आता है। आईपीओ जब प्राइमरी मार्केट में आता है तब आईपीओ के ऊपर बोली लगती है, शेयर्स की बोली लगती है, बहुत सारे लोग उसको अप्लाई करते हैं। अगर समझिए कंपनी के 100 100 शेयर्स है जो कंपनी को बेचना है, तो
और 400 लोगों ने अप्लाई किए हैं, तो 400 लोगों में से वो 100 लोगों को ही शेयर मिलेंगे। तो उसकी बिडिंग होने के बाद उन 100 लोगों को शेयर्स मिलेंगे, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उसके बाद वो जो है सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगी और फिर पब्लिक उसके अंदर ट्रेड करती है। जब आप अपना ब्रोकर के पास अकाउंट बनाते हैं, मैं इंशाल्लाह आता हूँ उसके उसकी तरफ भी, ब्रोकर के पास अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं कि मुझको रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं, 100 शेयर्स खरीदने हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप जब अपने ब्रोकर के पास ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ब्रोकर जो है आपकी ऑर्डर को एक्सचेंज में भेजता है। जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिया में जो दो मेजर एक्सचेंज है, NSE एंड BSE, इस ब्रोकर वो आपकी रिक्वेस्ट को NSE BSE में भेजता है जिस पर भी आपने ऑर्डर प्लेस की है, जिस भी एक्सचेंज में। उसके बाद एक्सचेंज जो है, अगर आपने बाय की ऑर्डर प्लेस की है तो सेलर को ढूंढता है, सेलर से आपकी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है और ब्रोकर को, और वो जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है उसको ब्रोकर के पास भेजता है। और फिर अगर आपने बाइंग की ऑर्डर लगाई है तो वो स्टॉक जो है वो आपके ब्रोकर की उसमें आ जाते हैं, अकाउंट्स में आ जाते हैं। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, डीमेट अकाउंट बहुत जरूरी है, डीमेट अकाउंट के बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आपको ऑनलाइन डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो बहुत इजी प्रोसेस है आजकल, बहुत आजकल ऑनलाइन जमाने में बहुत इजी प्रोसेस हो गया है। आप 10 मिनट के अंदर किसी भी ब्रोकर के पास से अपना ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, उसकी फोटो कॉपी चाहिए, उसके बाद मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो और एक्टिव हो। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका ऑनलाइन अकाउंट नहीं ओपन हो सकता। उसके बाद आपका आधार कार्ड चाहिए, बैंक प्रूफ चाहिए, बैंक प्रूफ के तौर पर कैंसिल चेक या फिर बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक का फ्रंट पेज, ये सब चलता है। इसके अलावा सिग्नेचर का फोटो चाहिए, उसके अलावा इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ में बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 6 मंथ का, या कंपनी के या आपकी जो जहां भी काम करते हो वहां से आपकी जो सैलरी स्लिप मिलती है वो सैलरी स्लिप चाहिए एज ए इनकम प्रूफ। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए चाहिए। इसके अलावा अगर आपका मोबाइल नंबर जो है वो आधार से लिंक नहीं है या फिर आपको ऑनलाइन नहीं ओपन करना है, तो उसका जो प्रोसीजर है वो ये कि आप जो भी ब्रोकर है, इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर है, इंडिया में अभी जो नंबर 1 ब्रोकर है वो जीरोधा है, सेकंड नंबर पर अपस्टॉक्स है, और अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो एंजल ब्रोकिंग है। तो आप किसी भी अच्छे ब्रोकर से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन ओपन करना है तो आप ब्रोकर की वेबसाइट पे जाइए, वहां से उनका अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म डाउनलोड कीजिए, उसके साथ पैन कार्ड का फोटो अटैच कीजिए, एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड को अटैच कर सकते हैं, इनकम प्रूफ में जैसे कि मैं बताया सैलरी स्लिप और बैंक के स्टेटमेंट अटैच कर सकते हैं, आपका फोटो और कैंसिल चेक, ये बहुत जरूरी है। आपका जो चेक रहेगा बैंक का, जो भी चेक जिसपे आपका नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर ऐसा क्रॉस मार के उसको अटैच करना है। और इस जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, ये सब डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, तो उसको आपके ब्रोकर जो भी आपने जैसा जीरोधा है तो उसके एड्रेस पर बाय पोस्ट आपने वो भेजना है डॉक्यूमेंट। तो इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर जो है आपका ऑफलाइन अकाउंट ओपन हो जाएगा। सब में इजी प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन अकाउंट में है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आप आधार ऑफिस में जाइए, नजदीकी आधार केंद्र में आपके मोबाइल नंबर को लिंक कीजिए और ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बुल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा होता है, जिसमें प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, जिसमें बायर्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, उसे बुल मार्केट कहते हैं। अभी जो इंडिया का करंट मार्केट है वो बुल मार्केट है, अभी इंडिया का जो मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। बेयर मार्केट जो है वो उसका मुखालिफ है, बेयर मार्केट जो है ये गिरने वाला मार्केट होता है जिसमें मंदी होती है, यहाँ पर बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता पब्लिक को खरीदने में, तो बेयर मार्केट जो है इसमें शेयर्स की प्राइस गिरती है। अभी जो है इंडिया का करंट मार्केट ये फिलहाल बुल मार्केट है, बुलिश ट्रेंड में है, ऊपर चढ़ने वाला मार्केट है इंडिया का अभी जो है वो। इंडियन स्टॉक मार्केट को हम थोड़ा सा समझते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीजें हैं।
इंडियन स्टॉक मार्केट में जैसा कि मैंने आपको बताया, दो एक्सचेंज है। सब में पुराना जो एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बीईसी भी कहते हैं। ये जो एस्टैब्लिश हुआ है 1875 में, अंग्रेजों के ज़माने में। एशिया का सब में पहला स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया का सब में बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। एनएसई और बीईसी दोनों में जो मार्केट ओपन होता है, ये 9:15 को होता है सुबह में, 9:15 AM को, और मार्केट की जो क्लोजिंग होती है ये 3:30 PM, यानी दोपहर के 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। एनएसई जो है ये मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1992 में स्टार्ट हुआ। बीईसी में लगभग 5,000 कंपनी लिस्टेड है, एनईसी में अराउंड 2,000 कंपनीज लिस्टेड है। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, और इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी, निफ्टी 50 जिसे कहते हैं। इसमें भी सेम 9:15 को मार्केट ओपन होता है और 3:30 को मार्केट क्लोज होता है। बीईसी का मैं बताना भूल गया था, बीईसी का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। आप सुनते रहेंगे आज सेंसेक्स बहुत भागा है, या फिर निफ्टी 50 जो है वो बहुत भागा है। इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सेंसेक्स जो है ये 1986 में हुआ स्टार्ट, और अभी जो है करंट सेंसेक्स की प्राइस ये 58,700 के करीब है। सेंसेक्स जो है इसके अंदर 30 कंपनीज है, 30 कंपनीज है, और ये बेंचमार्क है बीईसी का। आप सेंसेक्स को देख के बता सकते हैं कि बीईसी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये फिलहाल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इसी तरह निफ्टी जो है ये 1997 में स्टार्ट हुआ, इसमें इंडिया की बेहतरीन 50 कंपनीज है। इसका अभी जो करंट मार्केट प्राइस, करंट जो उसका प्राइस है वो है 17,500, और ये निफ्टी 50 के जो 50 कंपनीज है वो इंडिया की बहुत बेहतरीन कंपनीज है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इनमें से जो कंपनीज शरिया कंप्लाइंट है उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है। इन्वेस्टिंग जो है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा डालते हैं और उस पैसे को होल्ड करते हैं, और उन पोजीशंस को आप होल्ड करते हैं कम से कम 5 ईयर्स के लिए। और जो सक्सेसफुल लोग हैं जिन शेयर मार्केट के, जैसे कि वॉरेन बफेट है, दुनिया के सब में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर, उन्होंने हमेशा इन्वेस्टिंग ही की है। क्योंकि इन्वेस्टिंग के जरिए आप बहुत अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं। अगर समझ लीजिए एक कंपनी जो है आज उसकी प्राइस 50 रुपीज है, और आपने उसमें पैसा डाला है 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, तो हो सकता है आते 5 या 10 साल में वो 50 रुपए की कंपनी, जिस शेयर प्राइस जिसका आज 50 रुपए है, उसका 10 साल के बाद वही शेयर 500 रुपये हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्टिंग करते रहना चाहिए, सबने इन्वेस्टिंग करना चाहिए। बैंक में जो हम पैसा रखते हैं, जिसके ऊपर बैंक हमको इंटरेस्ट देती है, वो कुछ हलाल नहीं है। तो आप जो अपना पैसा बैंक में रखे हो, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, सब में सेफ है, और आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा गेन मिलेगा। इन्वेस्टिंग की तरह ट्रेडिंग भी होता है, लेकिन ट्रेडिंग में 5 ईयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि बहुत कम टाइम के लिए इसमें पैसा डाला जाता है। वो आप सुबह में खरीद के शाम में भी बेच सकते हैं, या फिर आज खरीद के 4 दिन के बाद भी बेच सकते हैं, या आज खरीद के महीने 6 महीने के बाद भी बेच सकते हैं। तो ये होता है ट्रेडिंग। लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप कंटिन्यूअस ट्रेड करते हैं, आज खरीदते हैं फिर कल खरीदेंगे फिर और उसके बाद खरीदेंगे, तो उसमें जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, प्राइस ऊपर नीचे जाती है, उससे ट्रेडर को बहुत फर्क पड़ता है। और ट्रेडिंग जो है ये प्राइस के फ्लक्चुएशन को एनालाइज करके की जाती है, और इन्वेस्टिंग जो है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर की जाती है। अभी हम थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ये कम से कम 5 ईयर्स के लिए की जाती है, और ट्रेडिंग जो है ये बहुत कम टाइम के लिए की जाती है, 1 दिन, 10 दिन, महीना, 6 महीने। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत कम होता है, ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं,
उसको देख के किया जाता है, और ट्रेडिंग जो है टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे की जाती है। अभी हम समझते हैं कि एनालिसिस किस तरह किया जाता है। ये बेसिकली चार्ट है, आपको नीचे दिख रहा होगा, इयर्स है 1991 से लेके 2013, ये टाइम फ्रेम है। और ये जो दिख रहा होगा आपको यहाँ से, यहाँ पर 5000 से लेके 2500 ये प्राइस है। आप देखोगे कि 92 में इस शेयर की प्राइस 5000 के नीचे थी, और 2008 में उसी शेयर की प्राइस 20000 चली गई थी। यानी 92 से लेके 2008 में उस शेयर की प्राइस जो है 4 गुना बढ़ी, 400% बढ़ी। ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। अभी आप अगर देख रहे होगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब चीजें क्या है। उसके अलावा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट है, इसको देख के भी एनालाइज किया जाता है। उसके अलावा चार्ट के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न है। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस में RSI, MACD जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बस आपको नंबर दिखेंगे कि PE क्या है, PB क्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपको शेयर मार्केट में आना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना है या ट्रेडिंग करना है, तो सब में पहले जो है वो आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक सीखना है। जैसा कि मैं बताया, एनालाइज करने के लिए फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। ये जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप ये कर नहीं पाओगे, अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे। इसलिए सब में पहले आपको जो है स्टॉक मार्केट के बेसिक सीखना है कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, प्राइस एक्शन क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, उसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने होते हैं और कैंडलस्टिक कितने टाइप्स की होती हैं, ये सब आपको पहले सीखना है। आप ट्रेनिंग सेशंस अटेंड कीजिए, अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए, बाकायदा कोर्स कीजिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यूट्यूब पे गए, कुछ सर्च किया और आपको एक वीडियो देखा, 10 वीडियो देखे और आपको समझ में आ गया स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। नहीं, बल्कि आपने शुरुआत से सीखना है और अच्छे से सीखना है। और जब आप सीख जाओगे स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, तभी उसके बाद आपने स्टॉक मार्केट में कदम रखना है। स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस्लाम में क्या चीजें हलाल है, किन चीजों में आप ट्रेड कर सकते हो और किन चीजों में ट्रेड नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉन्ड्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर सकते, तो आपको ये मालूम होना जरूरी है और अच्छे से मालूम होना जरूरी है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूं, टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स कंपनी सभी को मालूम होगी, बहुत बड़ी कंपनी है, नोन कंपनी है। इसकी अगर आप बिजनेस एक्टिविटी देखोगे तो ये गाड़ियां बनाती है, मोटर्स बनाती है। ओवरऑल अगर ऊपर से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कंपनी जो है शरीयत के मुताबिक है, इसमें कोई बैंकिंग का काम नहीं हो रहा है, तो इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, शेयर्स इसके खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ शरिया स्क्रीनिंग में कंपनी की एक्टिविटी को नहीं देखा जाता, बल्कि फाइनेंशियल रेशियोज को कुछ देखा जाता है। जैसा कि उसके ऊपर डेप्थ, कर्जा बहुत ज्यादा है, और उसके अलावा कैश कंप्लाइन रेशियो जो है उसका वो सही नहीं है। तो ये जो है शरिया स्क्रीनिंग, ये एक अपने में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर एक अलग से सेशन रिक्वायर्ड है, उसको अभी कवर नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली मैं आपको ये कहूंगा कि शरीयत का इल्म हासिल कीजिए कि स्टॉक मार्केट में हलाल तरीके से ट्रेडिंग किस तरह करनी है या इन्वेस्टिंग किस तरह करनी है। उसके बाद जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा कि आपने सीख लिया कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट मार्केट में कूद जाओ, नहीं, बल्कि आप पहले पेपर ट्रेड करो, पहले प्रैक्टिस करो, कम से कम 5 महीने 6 महीने प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस यानी आप सीख गए कि आपने ट्रेड कैसा लेना है, आप सीख गए कि मार्केट किस तरह वर्क करता है। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप
ब्रोकर का लॉगिन करो और डायरेक्टली बाय ऑर्डर प्लेस करो, ऐसा नहीं है। आप, आपके दिमाग में आया है कि हाँ आपने एनालाइज किया कि आज रिलायंस का शेयर मुझको खरीदना है, आप अपने आपके नोटबुक में लिखो कि आज मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा इतने इतने रुपए में, इतने इतने स्टॉक्स, एक अजम्पशन के बेसिस पे आप लिखो। आप जब कि आप जब एनालाइज करोगे आपके दिमाग में आएगा कि आज मैंने इसको सेल करना है, तो आप नोट डाउन करो कि आज मैंने इसको सेल किया। ऐसे ही कम से कम 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आप पेपर ट्रेड करो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हो। जब आप पेपर ट्रेड करोगे तब आपको समझ में आएगा आपका लेवल क्या है, आपको अभी और सीखने की जरूरत है या आप तैयार हो गए हो ट्रेडिंग के लिए। आपको पेपर ट्रेड करने के बाद समझ में आएगा। अगर आप पेपर ट्रेड नहीं करोगे और डायरेक्टली मार्केट में उतरोगे पैसा लेके, तो आपका जो पैसा है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में 95% लोग पैसा लेके आते हैं और लॉस होके, लॉस करके चले जाते हैं। ये शेयर मार्केट की हकीकत है। शेयर मार्केट में सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट से पैसे कमाते हैं। मैंने 2010 में अपना फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया आईसीआईसीआई डायरेक्ट के थ्रू। उस टाइम पर शेयर मार्केट की अवेयरनेस लोगों में नहीं थी और मुझको भी एक्चुअली मालूम नहीं था शेयर मार्केट कैसा काम करता है। मैंने जस्ट अकाउंट ओपन किया, मैंने सोचा था, मैं सुना था कि यहाँ से बहुत पैसा कमाया जाता है, तो मैंने कुछ सीखा नहीं था। मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ये कॉमर्स वाला नहीं है, फाइनेंस वाला नहीं है, इंजीनियरिंग के ताल्लुक से मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है। मैंने जस्ट सुना था, मैं गया अकाउंट ओपन किया, माँ से 30,000 रुपीज लिए, स्टॉक मार्केट में डाल दिए, शेयर मार्केट में, और विद इन 1 मंथ मैंने वो पैसे गंवा दिए। उसके बाद एक फ्रेंड से मैंने पैसे लिए 30,000 रुपीज, उसको मैंने गवा दिया। उसके बाद खुद कमाई पे लगा, खुद की कमाई से पैसे डाले, अराउंड कम से कम मैंने 3.5 से 4 लाख रुपए जो है स्टॉक मार्केट में लूज किए। उसके बाद मैंने पैसा कमाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने जो शुरुआत की उसमें मैंने कुछ सीखा नहीं था। 2010 में मैंने स्टॉक मार्केट के बेसिक सीखे नहीं थे, जस्ट स्टार्ट किया था और पैसा लॉस किया था। और अभी मैं आजकल देखता हूँ, हमारा अभी वो कुछ वेब सीरीज आई थी हर्षद मेहता की, उसके बाद लोगों के अंदर कुछ शेयर मार्केट का अवेयरनेस आया, तो लोगों को चाहिए था कि लोग पहले शेयर मार्केट को सीखे कि वो काम किस तरह करता है। लेकिन बहुत सारे लोग जस्ट आते हैं मेरे पास, बहुत सारे लोग आते हैं कि अफनान भाई आज कौन सा शेयर खरीदना है, तो मैं उनको कहता हूँ आप सीखो। वो सीखते नहीं, बल्कि जाके अकाउंट ओपन करते हैं और बगैर सीखे वही गलतियां करते हैं जो मैंने आज से 10 साल पहले की। जब मैंने वो गलतियां की, मैं जब लॉस बुक कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि मैं बस गैम्बलिंग कर रहा था, ऐसा नहीं है, बल्कि उसी पीरियड में मैं सीख भी रहा था स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस किस तरह किया जाता है, और बहुत सारी चीजें जो है वो मैंने सीखी। और फिर आहिस्ता 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 मैं प्रॉफिट कमाने लगा। तो आपको अगर आना है मार्केट में, तो सब में बड़ी एडवाइस जो मेरी यही रहेगी, जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, जो कि मैंने लॉस करके सीखी है, वो ये कि आप बेसिक एजुकेशन सीखिए। और जब आओगे मार्केट में, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी अमाउंट लेकर आना है, बल्कि छोटी सी अमाउंट लेकर आइए, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, जो भी आपके पास है। ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए डायरेक्टली लेके मार्केट में आ जाओ, बल्कि छोटे से स्टार्ट करो। आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद आप पैसा बढ़ाते जाओ। उसके बाद जो मैं कहना चाहूंगा, ट्रेंड को हमेशा फॉलो कीजिए, गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। जब मार्केट गिर रहा होगा तभी आपने इन्वेस्ट नहीं करना। अगर जैसा कि अभी जो मार्केट है वो बहुत बुलिश है, तो आप बुलिश मार्केट में बाइंग की पोजीशंस लो। अगर मार्केट गिर रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक शेयर है जो 1,000 रुपये हुआ करता था, वो गिर के 800 रुपये हो गया है, तो बहुत सारे लोग जो है वो 800 रुपये पे खरीद लेते हैं और ये सोचते हैं कि वो वापस से 1,000 रुपये जाएगा या 1,200 रुपये जाएगा। लेकिन क्या होता है, वो 800 से गिर के 500 रुपये में आ जाता है। तो गिरने वाली जो चीज जो होती है उसके अंदर कुछ खामी है, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो गिर रही है। इसलिए गिरने वाली चीज में पैसा न लगाए, बल्कि जो चीज ऊपर जा रही है
उसमें पैसा लगाया, और पैसा लगाने से पहले रिसर्च कीजिए। विदाउट रिसर्च आप न इन्वेस्टिंग कीजिए न ट्रेडिंग कीजिए। रिसर्च कीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस कीजिए। आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स बनाइए, आप एक पोर्टफोलियो बनाइए। ऐसा नहीं है कि समझ लीजिए आपके पास 5 लाख रुपीज़ है तो आप आपके 5 लाख रुपये एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करें, ऐसा नहीं है। बल्कि एक पोर्टफोलियो बनाइए, उसमें 10 से 15 कंपनीज को ऐड कीजिए। अच्छे अच्छे एनालाइज करने के बाद 10 से 15 कंपनीज को ऐड कीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए आपकी पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर में, जैसे फार्मा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल्स है, इसमें डाइवर्सिफाई कीजिए और आपके पैसे इन्वेस्ट कीजिए। इसमें क्या होता है, जब आप आपकी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग कंपनीज में शेयर लगाते हैं, तो खुदा ना खास्ता समझ लीजिए आपने सिर्फ एक ही कंपनी में पैसे लगाए आपके 5 लाख रुपए, और कुछ बैड न्यूज आ जाती है, कंपनी के हालात सही नहीं होते हैं, और कंपनीज के शेयर 50% समझ लीजिए गिर गए, तो आपके जो 5 लाख रुपए हैं वो 2.5 लाख रुपए हो जाएंगे, आपको अच्छा खासा लॉस होगा। और इसके बरक्स अगर आपने आपकी एक पोर्टफोलियो बनाई है, उसमें 10 से 15 कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया है, तो उसमें क्या होगा, अगर एक कंपनी को लॉस होगा ना, एक नहीं 4 कंपनीज को समझ लीजिए लॉस होता है ना, और वो माइनस में जाती है, तो आपके जो बाकी के 15 कंपनीज है या जो भी बाकी की कंपनीज है वो प्रॉफिट में रहेगी, उससे आपको जो है ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसलिए हमेशा एक अच्छी खासी पोर्टफोलियो बनाइए, कम से कम 10 से 20 स्टॉक उस पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाई होनी चाहिए आपकी पोर्टफोलियो। उसके बाद आप जो है हमेशा जो विनर्स है, यानी जो ऊपर जाने वाली कंपनीज है, आप उनमें अपने पैसे को लगाए रखें। जो गिरने वाली कंपनीज है, अगर आपने कोई शेयर खरीदा है, अब समझ लीजिए आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा, 1000 रुपये में खरीदा, और अभी उसकी प्राइस गिर के 800 रुपये हो गई है, और आपने उसको फिर से एनालाइज किया तो आपको मालूम पड़ गया कि कंपनी के हालात सही नहीं है या कुछ अप एंड डाउन है, तो आप उस कंपनी में पैसा होल्ड करके मत रखिए, बल्कि आप आपका जो लॉस है उसको बुक कीजिए, 200 रुपये का लॉस बुक कीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए कि कुछ गलती हुई है और उस लॉस को बुक कीजिए, और वही 800 रुपये आप दूसरे कंपनी में लगाइए। आपने समझ लीजिए 800 रुपये के वही दूसरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए और वो 800 के 1200 हो गए, और अगर आप इसी लॉस मेकिंग कंपनी में अगर पैसे इन्वेस्ट किए और रखे होते तो हो सकता है ये 800 के 500 हो जाते। इसलिए जो लूजर्स है उनको अपनी पोर्टफोलियो से कट कीजिए, और जो पैसा बनाने वाले स्टॉक्स है उनको ही अपने पोर्टफोलियो में रखिए। जब आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद प्राइस एक्शन, ये सब सीख जाओगे, उसके बाद आप एक अपना सिस्टम बना लोगे। हर ट्रेडर और इन्वेस्टर का एक सिस्टम होता है जिसको वो फॉलो करता है और उसके बाद वो पैसे कमाता है। आप अपना एक सिस्टम बना लोगे तो उस सिस्टम को जो है वो फॉलो करना है आपने। सिस्टम यानी क्या, आप समझ लीजिए टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मास्टर हो गए और आपने ट्रेडिंग करना है, तो आप सभी इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करोगे, बल्कि कुछ पर्टिकुलर इंडिकेटर्स हो गए, जब वो आपको बाय सिग्नल देंगे तभी आप बाय करोगे, जब वो आपको सेल सिग्नल देंगे तभी आप सेल करोगे, तो आपका एक सिस्टम होता है। तो आप आपका जो भी सिस्टम है उसको रिलीजियसली फॉलो करो, जिस तरह आप इस्लाम को फॉलो करते हो, अपने दीन को फॉलो करते हो, उसी तरह अपने जो सिस्टम है उसको रिलीजियसली फॉलो करो, पेशेंस के साथ फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि 1000 रुपये में आपने किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 1000 रुपये उसकी प्राइस थी शेयर की, और गिर के अभी उसकी प्राइस 990 रुपये हुई है तो आप एग्जिट कर दो, नहीं, बल्कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। आपने अच्छे से एनालाइज करके उस स्टॉक को खरीदा है तो पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये कुछ एडवाइस थी मेरी तरफ से करने के लिए, और न करने के लिए भी कुछ एडवाइस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एजुकेशन लेके मार्केट में, तो इसका मुखालिफ क्या है, आप विदाउट एजुकेशन आते हो मार्केट में और आप गैमलिंग जैसा मार्केट को यूज करते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको मालूम भी नहीं होता वो
क्या कर रही है, आप जस्ट देख रहे हो कि भाई ये ऊपर जा रही है, आप उसमें पैसे लगाते हो और एज ए गैम्बलिंग करते हो। आजकल हमारी जो यूथ है बहुत सारे शेयर मार्केट के अकाउंट्स ओपन करके बैठे हैं, मैं हमारे एरिया में देखता हूँ, या उनको बेसिक मालूम ही नहीं है क्या करना है, बस शेयर मार्केट का एक डीमेट अकाउंट ओपन कर लिए हैं, एफएनओ में ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, हालांकि जो कि हराम है, इस्लामिक स्कॉलर्स जो है उसको एफएनओ को हराम करते कहते हैं, तो उसके अंदर ट्रेड करते हैं। आज एक अभी नई नई चीज आई है मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी, इसके अंदर ट्रेड करते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, बल्कि शेयर्स खरीदने चाहिए जो कि एक हलाल इन्वेस्टमेंट है, और पहले एजुकेशन लेना चाहिए। इसके अलावा जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हराम मेथड्स यूज नहीं करने चाहिए, हराम मेथड जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफएनओ वगैरह ये सब हराम इंस्ट्रूमेंट है, डिबेंचर्स बॉन्ड्स ये सब हराम इंस्ट्रूमेंट है, इनमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। और हराम मेथड्स क्या है, हराम मेथड में एक मेथड है शॉर्ट सेलिंग, आप पहले बेचते हो बाद में खरीदते हो, इस्लाम में ऐसा नहीं है, एक हदीस का मफहूम है कि जो चीज आपके पास है ही नहीं आप उसको बेच नहीं सकते, इसलिए शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है। उसके बाद लोग इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे में क्या होता है, आपका जो ब्रोकर है वो आपको लेवरेज देता है, 5 गुना लेवरेज देता है, जैसे आपके पास 2,000 रुपये हैं तो आप 10,000 रुपये का ट्रेड कर सकते हो, तो ये लेवरेज बेस्ड ट्रेडिंग है, वो भी स्कॉलर्स जो है वो उसको हलाल नहीं कहते हैं। और जब मैं स्कॉलर्स का नाम ले रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि किसी एक फिरके के उलमा उसको मना करते हैं, बाकी जितने फिरके हैं इस्लाम में उनमें से अक्सर फिरके के लोग, अक्सर उन फिरकों के उलमा एफएनओ को अलाउड नहीं कहते हैं, करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग को अलाउड नहीं करते, उसके साथ साथ शॉर्ट सेलिंग को अलाउड नहीं कहते, लिवरेज को अलाउड नहीं करते। तो उनके फतवे मौजूद है, देवबंदी उलमा के मौजूद है, बरेलवियों के भी मौजूद है, अहले हदीसों के मौजूद है, और जो दूसरे दिगर उलमा है सबके फतावे इस ताल्लुक से, शेयर मार्केट के ताल्लुक से कॉमन है, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंस है। इसके अलावा डोंट इन्वेस्ट ब्लाइंडली ऑन टिप्स एंड रिकमेंडेशंस। अभी जब आप एजुकेशन नहीं हासिल करोगे, आपके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है शेयर मार्केट का, तो क्या करोगे आप टिप्स एंड रिकमेंडेशंस फॉलो करो, वो सीएनबीसी टीवी, उसके अलावा बहुत सारे न्यूज चैनल्स है, आप उस पे जाओगे और देखोगे कि कौन क्या टिप दे रहा है, या मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाओगे और देखोगे कौन क्या टिप दे रहा है, या टेलीग्राम चैनल्स पे या यूट्यूब पर आप जाओगे और देखोगे कौन क्या टिप दे रहा है। तो किसी की भी टिप्स को फॉलो मत कीजिए, बल्कि अपना एक सिस्टम बनाइए, आप खुद एनालाइज कीजिए और खुद ट्रेड कीजिए। अगर आप टिप्स को फॉलो करोगे तो आपका पैसा जो है, आपने जितनी मेहनत से कमाया है या आपके माँ बाप ने जितनी मेहनत से कमा के आपको दिया है, आप वो लूज करोगे। इसलिए हमेशा किसी के भी टिप्स को फॉलो मत कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट एडवाइस जो मेरी है वो ये कि आप जो है मार्केट में जो भी पैसा लगाओगे वो आपका पैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने किसी से पैसे उधार लिए, कर्जा लिया और मार्केट में ट्रेड किया, क्योंकि मार्केट जो है इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, गारंटी नहीं है किसी चीज की, इसीलिए किसी से बोरो करके उधार लेकर आप मार्केट में मत आइएगा। और क्या होता है, जब एक आदमी मार्केट में आता है स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, और उसको लॉसेस होते हैं, तो वो लॉस कवर करने के लिए बहुत सारे ट्रेड लेता है, बहुत सारे ट्रेड एग्जीक्यूट करता है और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखता है, उसको लगता है कि अभी ये 100 रुपये का शेयर है या 500 रुपये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है, बिजनेस है, इसलिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और उसमें आपको लॉस हो रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि ये कंपनी अभी ऊपर नहीं जाएगी, इसमें कुछ बैड न्यूज है, या उस पर टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको बाय का सिग्नल नहीं दे रहे, तो आप उस ट्रेड को एग्जिट कीजिए, अपना लॉस बुक कीजिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जैसे मैं फिर से एग्जाम्पल रिपीट करता हूँ कि आपने 1,000 रुपये का शेयर खरीदा और वो 800 रुपये हो गया है, तो आपको मालूम पड़ गया टेक्निकल एनालिसिस के बाद
ये और नीचे जा सकता है, इसके अंदर बेयरिश ट्रेंड है, तो आप उस पोजीशन को होल्ड मत कीजिए। ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो 800 का फिर से 1000 या 1200 हो जाए, नहीं, बल्कि आप उसमें से अपना लॉस जो है उसको बुक करके एग्जिट हो जाइए। बहुत सारे ट्रेड मत कीजिए, एनालाइज कीजिए उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। इमोशनल डिसीजंस नहीं लेना। इमोशनल डिसीजन क्या होते हैं, आदमी जब देखता है शेयर मार्केट को और उसको समझ में आ रहा है कि आज भाई रिलायंस का शेयर बहुत भागा है, चलो मैं इस नैया में आप डुबकी लगा देता हूँ, मुझको भी कुछ पैसा मिल जाएगा, नहीं। अगर आपको पैसा लगाना है, आपको समझ में आ रहा है कि ये कंपनी आज बहुत भाग रही है, तो आप उसको एनालाइज कीजिए, देखिए उसके फंडामेंटल देखिए, उसके टेक्निकल देखिए। अगर आपको वो अच्छा लगता है, आपके समझ में आता है, आपको बाय सिग्नल मिल रहे हैं, तो ही आप ट्रेड कीजिए। इमोशनल डिसीजंस पे, इमोशनल इमोशंस के ऊपर कोई डिसीजंस मत लीजिए। अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए। अननेसेसरी रिस्क की एक मिसाल देता हूँ। एक कंपनी है जिसके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आपको मालूम पड़ रहा है कि उसको लॉस हो रहा है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका शेयर की प्राइस है वो ऊपर जा रही है। और अगर आप ऐसे कंपनीज को में पैसा लगाते हो तो ये एक रिस्क होता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है। जब कोई अचानक से बैड न्यूज आ जाएगी उस कंपनी की, धड़ाम से वो शेयर गिर जाएगी, 30% 20% उसके शेयर्स की प्राइस गिर जाएगी। इसलिए अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए। कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड लीजिए। कॉन्फिडेंस के साथ यानी एनालाइज कीजिए, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई ये कंपनी ऊपर जाएगी, तभी आप उसमें ट्रेड लीजिए। और आखिरी एडवाइस जो मेरी रहे कि वो ये कि हर किसी को यूट्यूब पर टेलीग्राम पर फॉलो मत कीजिए। हर किसी को यूट्यूब और टेलीग्राम पर फॉलो मत कीजिए। यूट्यूब वाले क्या होते हैं, उनको बस डेली एक वीडियो बना के अपलोड करना है, जिसके पैसे उनको यूट्यूब देता है, एडवर्टाइज के पैसे उनको यूट्यूब देता है। तो उसमें क्या है, वो बस कुछ भी वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं, और हमारे जैसे कॉमन लोग जो है उनको फॉलो करते हैं। क्या होता है, वो एक वीडियो बनाती है कि भाई ये जो मेरा सिस्टम है कि ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, ये RSI का ये सिग्नल, ये एक सिस्टम है, आप इसको फॉलो कीजिए, आप प्रॉफिट में होंगे। और हमारे जैसे कॉमन लोग क्या करते हैं, सिस्टम को फॉलो करने जाते हैं और लॉस बुक करते हैं। तो हर यूट्यूबर और हर टेलीग्राम चैनल को फॉलो मत कीजिए, बल्कि आप उन्हीं लोगों को फॉलो कीजिए यूट्यूब वगैरह पर जो वाकई में शेयर मार्केट को सिखाते हैं, जिनका इंटेंशन सिखाना होता है, ना कि यूट्यूब से पैसा कमाना होता है। तो उन्हीं लोगों को फॉलो कीजिए जो वाकई में शेयर मार्केट सिखाते हैं। ये कुछ चीजें थी जो मैं कहना चाहता था। जजाकल्लाहु खैरन। इसी बात पर मैं अपनी बातों का इख्तिताम करता हूँ।